नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। जब आप इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, जब आप राजनीति की किताबें पढ़ते हैं, तो आपको बताया जाता है स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। आपको कहा जाता है कि भारत में लोकतंत्र है। आपको बताया जाता है कि यहाँ लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और यहाँ के लोगों को अपने प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है। लेकिन पिछले 54 दिनों से क्या आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि भारत वाकई में एक लोक कल्याणकारी राज्य है? क्या आप वाकई में महसूस कर पा रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र है? और क्या आप वाकई इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि इस देश के अंदर जब केंद्र सरकार, जब राज्य सरकारें असफल हो जाती हैं, जब वहां से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, तो लोग अदालतों के पास जाते हैं और वहां उनको इंसाफ मिलता है? लोगों का भरोसा अभी भी अदालतों के अंदर है, ऐसा कहा जाता है। क्या आज 52 दिनों के बाद, लॉकडाउन के 52 दिनों के बाद, क्या आज भी आप इन्हीं बातों पर भरोसा कर सकते हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 52 दिनों में इस देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे हिंदुस्तान के गरीब, मजदूर, प्रवासी वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं। उनके पांव में छाले पड़ गए हैं, उनके कंधों पर बड़े बड़े बोझ हैं, उनके एक कंधे पर छोटा बच्चा है तो कहीं दूसरे कंधे पर दूसरा बच्चा है। रास्ते में चलते चलते न जाने कितने लोगों की मौत हो गई है और न जाने कितनों को पुलिस ने लाठियों से पीट डाला है। न जाने कितने ऐसे हैं जिन्होंने कई कई दिनों तक खाना नहीं खाया है, और न जाने कितने ऐसे हैं जो अपने घर के बिल्कुल करीब पैदल पहुंचने के बाद वो उनको अपना घर नसीब नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। और कुछ तो इतने बदनसीब थे कि जब वो अपने घर के पास पहुंचे, घर पहुंचे, तो उनके घर वालों ने उनको स्वीकार करने से मना कर दिया और उन्हें थक हार कर, निराश होकर किसी दूसरे शरणगाह में जाना पड़ा। ये बात मैं कर रहा हूं प्रवासी मजदूरों की बात कर रहा हूं, और ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज सुबह जब मैं उठा तो बड़ी दुखद खबर सुनी। उत्तर प्रदेश के औरैया में 24 प्रवासी मजदूरों की बस दुर्घटना में मौत हो गई। ये कौन से चेहरे थे शायद किसी को मालूम नहीं, शायद कोई जानना भी नहीं चाहता है। क्या इनका कोई नाम है शायद ये भी कोई नहीं जानना चाहता है। ये कहां के थे शायद ये भी कोई नहीं जानना चाहता है। ये वो लोग हैं जिनको फेसलेस कहा जाता है, जिनके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। आज हम इन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे किस तरीके से पूरे समाज के तौर पे हम असफल साबित हुए, न केवल असफल साबित हुए बल्कि निष्ठुर साबित हुए, निर्दयी साबित हुए हैं, और ऐसा लगता है कि हम बहुत सेल्फिश हो गए हैं। जहां राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों की आत्माएं मर चुकी हैं और जहां अदालतें अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रही हैं। लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील ये है कि सत्यहिंदी.com को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ सच कहने की हिम्मत मिलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप हमें अपना सहयोग देते रहे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और सहयोग देंगे तो हमें मजबूती मिलेगी। और ऐसे वक्त में जबकि सच कहना गुनाह हो गया है, सच कहने की ताकत मिलेगी। वापस लौटते हैं आज के पुराने विषय। हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के औरैया में बस की दुर्घटना हुई और वहां 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। ये अपने घर जा रहे थे भूखे प्यासे, तड़पते हुए, परेशान। कुछ दिनों पहले भी खबर आई थी कि औरंगाबाद में, वहां एक दर्जन से ज्यादा लोग इसलिए ट्रेन से कट गए क्योंकि वो पैदल चलते चलते थक गए थे और जाकर रेलवे के ट्रैक पर सो गए इस बात से बेखबर कि उस पर ट्रेन आ सकती है। और इसके साथ साथ ढेरों खबरें ऐसी आ रही, रोजाना आ रही है कि जब प्रवासी मजदूरों पे जो पैदल चल रहे हैं, कभी उनके ऊपर बस चढ़ जाती है, कभी उनके ऊपर ट्रक चढ़ जाती है, कभी 2 की संख्या में उनकी मौत होती है तो कभी 10 की संख्या में मौत होती है। सवाल ये उठता है कि इस देश के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार है जिसको 2019 में भारी बहुमत से चुनकर भेजा गया है। देश के अलग अलग राज्यों में ऐसी सरकारें हैं जिनको इन्हीं लोगों ने चुनकर भेजा है, और जब भी चुनाव होता है, जब भी राजनीति होती है,
तो यही कहा जाता है कि गरीबों के लिए सारा काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए सारा काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मार्च 24 की रात से जब लॉकडाउन लगा तो ये क्यों पैदल चलने के लिए मजबूर हुए और क्या इनकी कोई चिंता करने वाला है या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको तीन वक्तव्य दिखाना चाहूँगा और उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा, फिर उसी के माध्यम से पूरी कहानी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मद्रास हाईकोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है माइग्रेंट वर्कर के, उन्होंने कहा कि मजदूरों की दयनीय हालत को देखकर आंसू नहीं रोक सकते। मद्रास हाईकोर्ट, आज की तारीख में उनका ही ऑब्जर्वेशन है, मजदूरों की दयनीय हालत को देखकर आंसू नहीं रोक सकते। अब आप सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, अगर वे रेलवे ट्रैक पर सोते हैं तो उन्हें कैसे कोई रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय, ये सुनिश्चित करें कि प्रवासी मजदूर रेलवे ट्रैक और सड़क पर ना जाएं। मद्रास हाईकोर्ट का जो ये ऑब्जर्वेशन है, ये 52 दिनों के बाद पहली बार ऐसा लगा है कि जैसे इस देश के अंदर कहीं कोई सरकार है, कहीं कोई संस्था है जो इन मजदूरों के बारे में सोच रही है, उनके बारे में कुछ करना चाहती है। और मद्रास हाईकोर्ट ने न केवल इतना कहा बल्कि उन्होंने बड़े बुनियादी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक माह से मीडिया में प्रवासी भारतीयों की जो दयनीय हालत है उसको देखकर अपने आंसू नहीं रोक सकते, यह एक मानवीय त्रासदी है। जब मार्च के अंत में लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो लाखों प्रवासी पूरे देश में फंस गए, ज्यादातर की नौकरी छूट गई, खाने की कमी हो गई और उन्हें कहीं और शरण नहीं मिल पाई। काफी समय इंतजार करने के बाद, यानी हर तरफ से निराश होने के बाद, वो अपने घरों की तरफ चल दिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सारे प्रशासन ने उनको नजरअंदाज कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि वो अपने घरों की तरफ चल दिए क्योंकि सारे प्रशासन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसके साथ साथ मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से और तमिलनाडु की सरकार से इनको नोटिस दिया है और कहा है कि आप 22 मई तक हमें जवाब दीजिए। क्या उन्होंने कहा है? उन्होंने 12 सवाल एक तरीके से पूछे हैं कि इस पर आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट हमें दीजिए। और केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार से भी कहा है, तमिलनाडु की सरकार से भी कहा है। उन्होंने कहा कि क्या भारत सरकार के पास कोई ब्यौरा है कि कितने राज्यों में, किस राज्य में कितने प्रवासी मजदूर हैं? एक दूसरा, अगर ऐसा है तो किस राज्य में कितने प्रवासी मजदूर हैं, इसका ब्यौरा दीजिए। आज की तारीख में कितने मजदूर किस राज्य में रह रहे हैं और किस राज्य में फंसे हुए हैं, इसका ब्यौरा दीजिए। भारत सरकार, राज्य सरकारें उन्हें क्या सुविधा मुहैया करा रही हैं? क्या उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से रोका जाता है? और अगर नहीं रोका जाता है तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं? अगर रोका जाता है तो फिर उनको क्या बुनियादी सुविधाएं दी जा रही कि नहीं दी जा रही हैं? उनमें से कितनों की मृत्यु हो गई है? उनमें से किस राज्य के थे जिनकी मृत्यु हुई है? और उनके परिवार वालों को क्या राहत सुविधाएं दी गई हैं? और साथ ही साथ जो बाकी के लोग थे प्रवासी मजदूर, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है? साथ ही ये भी बताइए कि क्या वाकई में इन प्रवासी मजदूरों की वजह से कोरोना का संकट या संक्रमण बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? और क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह आदेश दिया है कि प्रवासी मजदूरों को वित्तीय सहायता और दूसरे अवसर प्रदान किए जाए? 54 दिनों के बाद ये इतनी विस्तार से किसी अदालत ने केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कहा है कि मुझे ये स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। कायदे से ये स्टेटस रिपोर्ट 31 मार्च को ही अदालत को इंटरफीन कर जाना चाहिए, क्योंकि 31 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल से सवाल पूछा गया था कि आपके पास क्या इंतजाम है। तब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि फिलहाल कोई भी आदमी सड़क पर मौजूद नहीं है। यह जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनसे कहा कि आप स्टेटस रिपोर्ट इस पर अपना दीजिए।
28 अप्रैल को फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने बात आती है और 28 अप्रैल को केंद्र सरकार साफ तौर पर यह कह देती है कि हमारे पास जो है, हम सैद्धांतिक तौर पर उसूलन जो है वो मजदूरों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के खिलाफ है। ये 28 तारीख को उनकी तरफ से कहा गया। तब तक समस्या काफी बड़ी हो चुकी थी, काफी भयानक हो चुकी थी। आपको लग रहा होगा सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू क्यों नहीं किया, जो काम मद्रास हाई कोर्ट कर सकती थी वही काम सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मुतल्लिक कोई आदेश पारित नहीं किया। उसके बाद 15 मई को फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर किया और उस पिटीशन में औरंगाबाद में जो लोग रेलवे ट्रैक पर कट गए थे उसके संदर्भ में दायर किया और अदालत से ये गुजारिश की गई, ये दरखास्त की गई कि आप इस मामले में इंटरवीन करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये ऑब्जर्वेशन दिया और वो ऑब्जर्वेशन बहुत चौंकाने वाला ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने कहा कि हर कोई वकील वो किसी अखबार में कहीं कोई क्लिपिंग में वो चीजों को पढ़ता है, उसके बाद वो हर विषय का वो माहिर मान लिया जाता है, नॉलेजेबल हो जाता है और उसके आधार पे आप ये अदालत से उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत वो कार्रवाई करें, वो फैसले करें। और सरकारों को हम आदेश पारित करें। उन्होंने कहा, जो उसके बाद की जो टिप्पणी थी वो और निराशाजनक थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लोग रेलवे ट्रैक पर अगर कोई सो जाता है तो उसको कोई कैसे और रोक सकता है। मैं अंग्रेजी में इनका पूरा बयान मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, बल्कि उसका हिंदी तर्जुमा है कि हम उन्हें पैदल चलने से कैसे रोक सकते हैं। इस अदालत के लिए इस बात की निगरानी करना असंभव है कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने अदालत ने व्यंग करते हुए एक तरीके से कहा कि राज्य सरकारों को तय करने दीजिए क्या कर रही हैं, और अगर आप राज्य सरकारों से काम ले सकते हैं तो फिर मैं आपके स्पेशल पास इश्यू कर सकता हूं। अदालत के पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि इस देश के अंदर जब भी सरकारें असफल होती है, एडमिनिस्ट्रेशन असफल होता है, तो लोगों को उम्मीद होती है कि उनको अदालतों में जाएंगे तो वहां पर उनको न्याय मिलेगा। अगर अदालत ने मार्च के महीने में ही सख्ती बरती होती, केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को अगर तगड़ी फटकार लगाई होती और उनसे कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी होती तो शायद ये समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। मैं ये नहीं कहता हूं कि समस्या नहीं होती, लेकिन शायद इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, क्योंकि हकीकत यह है कि 24 तारीख के रात के बाद से, 24 तारीख के रात के बाद से ही हर व्यक्ति को मालूम था कि दिहाड़ी मजदूरों की समस्या इस देश के अंदर बड़ी होगी। और उसके 2-3 दिन के बाद आपने देखा था किस तरीके से उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों की संख्या में ये प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ पैदल निकल पड़े थे। पूरे देश में इस बात को लेकर हंगामा मचा था, लेकिन 48 घंटे तक ना तो दिल्ली की सरकार के पास इस समस्या का कोई समाधान था, ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार के पास किसी तरीके का कोई समाधान था। बाद में केंद्र सरकार की तरफ से फैसला आया कि इन लोगों को जाने से रोका जाए, जो जहां पर है उनको वहीं पर रोक दिया जाए। और इसी के मुतल्लिक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि 1 तारीख को यानी 1 अप्रैल को कहीं कोई आदमी सड़क पर नहीं है, जो सड़क पर थे उनको सबसे नजदीक के शरण स्थली पर ले जाया गया और वहां उनको फूड पैकेट्स दिए जा रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर उनको फूड पैकेट्स मिल रहे थे, अगर उनकी सारी इच्छाओं का ध्यान रखा जा रहा था, तो फिर ये लोगों का पैदल चलने का सिलसिला क्यों जारी था। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार की शायद कोई मंशा ही नहीं थी या वो इस समस्या को समझ ही नहीं पा रही थी। उधर राज्य सरकारें भी पूरी तरीके से असफल साबित हुई। हकीकत तो यह है कि बिहार की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, उड़ीसा की सरकार, पंजाब की सरकार, ये वो सरकारें थी जो रिलक्टेंट थी, यानी वो चाहती थी कि इनके प्रवासी मजदूर जहां पर फंसे हुए वहीं पर रुके रहे, उनके घर ना आए,
उनके राज्य में ना आए, अगर वो उनके राज्यों की तरफ आएंगे तो उनका ये डर था कि इनकी वजह से कोरोना का संकट बढ़ सकता है। जब समस्या काफी बड़ी हो गई, जब केंद्र सरकार असफल हो गई, जब राज्य सरकार असफल हो गई, अदालतें असफल हो गई, तो मीडिया में ये मामला बहुत तेजी के साथ उठा, सोशल मीडिया में बहुत तेजी के साथ उड़ा, समाज के तमाम लोग सामने आए, उन्होंने इन मजदूरों की मदद करने की कोशिश की, और तब शायद सरकार को लगा होगा कि तो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने सिर्फ एक 30 अप्रैल को एक गाइडलाइंस इशू किया, और गाइडलाइंस इशू करके एक प्रोटोकॉल बनाया, गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस है, और गाइडलाइंस में क्या था कि इन लोगों को ट्रांसपोर्ट दिया जाए, हर राज्य के अंदर नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाए, इन लोगों प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, और इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के पहले इनकी स्क्रीनिंग की जाए, जिन बसों में ले जाते हैं उस बसों में बसों को सैनिटाइज किया जाए, और अगर जरूरत पड़े तो जहां पर आप इनको ले जा रहे हैं वहां पर उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रखा जाए। अच्छी बात है। अब अगर इस गाइडलाइन आने के बाद से अगर इसको एनफोर्स किया गया होता, अगर एक महीने बाद भी अगर इस पर काम किया गया होता, अगर राज्य सरकारें अगर संजीदा होती, केंद्र सरकार ने अगर इसको लागू कराया होता तो शायद ये समस्या खत्म हो जाती, लेकिन उसके बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि रोजाना वो तस्वीरें आपके सामने दिखाई पड़ी, आपने टीवी पर देखा, आपने सोशल मीडिया पर देखा, आपने ट्विटर पर देखा, आपने फेसबुक पर देखा, आपने इंस्टाग्राम पर देखा, हर जगह तस्वीर, और लोगों की आत्मा चीत्कार कर उठी। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके आंखों से आंसू निकले हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारों ने, गृह मंत्रालय ने सिर्फ एक गाइडलाइंस इशू कर दिया पेज के पेपर के ऊपर, और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। और अब क्या किया है कि 15 मई को यानी एक दिन पहले फिर उन्होंने एक नया गाइडलाइन इशू किया है, और उन्होंने कहा है कि किसी भी शख्स को जो माइग्रेंट वर्कर हैं सड़क या रेल पर उनको चलने वो ना चले ये राज्य सरकारें इंश्योर करें, उनके लिए अगर विशेष बस की व्यवस्था करनी पड़े तो वो करें, विशेष ट्रेन की व्यवस्था करनी पड़े तो वो करें, उनके लिए खाने का पीने का और उनके लिए रहने का और उनके जीवन यापन का इंतजाम करें। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो फैसला केंद्र सरकार ने 15 मई को किया, यानी ठीक अगर आप जोड़े हिसाब लगाएं तो 53-54 दिन के बाद जो किया, वही काम जिस दिन लॉकडाउन लगा था उसी दिन ये सारे कदम क्यों नहीं उठाए गए, और पिछले 53 दिनों के अंदर इस बात को इंश्योर करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। जो चीज सबको दिखाई पड़ रही थी क्या वो केंद्र सरकार को दिखाई नहीं पड़ रही थी, क्या वो राज्य सरकारों को दिखाई नहीं पड़ रही थी? तो केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को गाइडलाइन इशू क्यों किया? यही केंद्र सरकार थी जो अदालत के अंदर कह रही थी कि जब 31 मार्च की बात हुई तो अदालत के अंदर केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने ये अदालत के सामने कहा कि माइग्रेशन दरअसल जो है वो फेक न्यूज की वजह से हुआ, लोगों में पैनिक फैला है, और अदालत ने भी एक तरीके से माना कि पैनिक फैला फेक न्यूज की वजह से। 28 अप्रैल को यही सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में फिर कहते हैं कि उनके पास केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों के एक जगह से दूसरे जगह जाने के सख्त खिलाफ है। जब अदालत उनसे पूछती है कि आपके पास माइग्रेशन का क्या रास्ता है, तब वो कहते हैं हम पूछ के राज्य सरकारों से आपको बताएंगे। यानी तकरीबन 40 दिनों तक केंद्र सरकार के पास कोई नीति नहीं थी, मतलब किसी भी कठोर से कठोर व्यक्ति की आत्मा इन सब चीजों को देखने के बाद पसीजनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार की आत्मा नहीं पसीजी, और राज्य सरकारों ने तो जैसे इन सबों को डिसोन कर दिया। अब उम्मीद क्या की जाए कि क्या अब ये कुछ होगा इसमें, या किसी तरीके का कोई फैसला निकलेगा, क्या ये लोगों का माइग्रेशन रुकेगा? और सबसे बड़ी बात यह कि केंद्र सरकार के लगातार कहने के बाद भी राज्य सरकारें इन पर ठीक से पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या क्यों नहीं करना चाहती हो? क्या केंद्र सरकार वाकई चाहती है कि ये जो कोरोना की आड़ लेकर जो मजदूरों के बारे में बात की जा रही है कि उनका कुछ रास्ता निकले, क्या उस बारे में संजीदा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अदालतों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? जो बात, जो फैसला, जो ऑब्जर्वेशन मद्रास हाईकोर्ट ने दिया है,
अगर उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अगर इंटरव्यू किया होता और मार्च के महीने में ही जब पहली बार ये बात उनके सामने आई थी तभी अगर इंटरव्यू किया होता, सख्ती दिखाई होती, तो शायद ये समस्या इतना विकराल नहीं लेती। और बहुत सारे ऐसे लोग जो तकलीफ दे रहे, जो परेशान हुए और जिनकी मौत हुई, शायद वो नहीं होती। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।